हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी दोस्तों यहाँ पे भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आपका जो पुष्पा है आप उसको दिखाना ही छोड़ दिए और पुष्पा का कैच कौन सा है। तो दोस्तों अभी मैं पुष्पा के कैच के बाहर ही खड़ा हूँ। ये देखें, ये पीछे हमारा दोस्तों जो है ये पुष्पा का कैज है और यहाँ से दोस्तों मैं तकरीबन 4 अंडे लेके जाता हूँ। दिन के टाइम भी मैं 4 अंडे लेके गया था। मैं आपको दोस्तों अभी पुष्पा भी दिखाऊंगा जो कि सामने खड़ा हुआ पानी पी रहा है, और आपको पुष्पा दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों माशाल्लाह से देखें, ये है हमारा बफ कोलंबियन का ब्रामा मेल, ये देखें। और साथ इसके दोस्तों ये वाली लगी हुई है फीमेल जो है ये पेटरिज की है, और माशाल्लाह से हमारी जो दूसरी पुष्पा के साथ फीमेल लगी हुई है ये ब्रामा की है दोस्तों। लाइट ब्रामा की ये फीमेल है और पेटरिज की दोस्तों ये है। माशाल्लाह से आप देखें, पहले हमारा ब्रामा भी इसे काफ़ी ज़्यादा क्रीज पे था और कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अब माशाल्लाह से दोस्तों इसने अपनी पुरानी लुक दोबारा ले आया। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है। अब इसकी दुम भी देखें दोस्तों, अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और ये अपने क्रीज इसने ख़त्म कर ली है और बाल मुकम्मल पूरे कर गया है दोस्तों माशाल्लाह से। वो देखें हमारी पेटरिज फीमेल, साथ जूम करके दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा पुष्प है और ये देखें इसके साथ फीमेल, 4 फीमेल हैं। ये वाली पेटरिज की ये हैवी बफ की फ़ीमेल है और एक पेटरिज की ये वाली है, साथ ये वाली दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे पास लाइट ब्रामा के पीस आते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी लाइट ब्रामा की फ़ीमेल है। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों पानी के करीब आए हुए हैं और इधर पानी पीने के लिए सारे इधर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कुछ देर बाद दोस्तों इनके फीड का टाइम है और इनको फीड दूंगा। तो माशाल्लाह से दोस्तों इनका तकरीबन मेरे पास 1 साल हो गया है ये माशाल्लाह से अंडे दे रहे हैं और इन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया। मतलब मैं फीड दे रहा हूँ इनको, 18 नंबर फीड दे रहा हूँ जो कि अंडों वाली फीड होती है। तो माशाल्लाह से उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। हमारा पुष्पा देखें, तो काफ़ी दोस्त ये भी कह रहे थे दोस्तों कि इसका नाम चेंज करें और पुष्पा जो है मामू का रखें, लेकिन दोस्तों इसका पुष्पा रख लिया था नाम। तो अब देखें माशाल्लाह से इसको पुष्पा ही मैं बुलाता हूँ और ये हमारे पुष्पा की प्रोग्रेस देखें माशाल्लाह से। अब तो दोस्तों इसकी बात ही हो रही है, दुम भी देखें कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ये देखें, और पीछे भी चलते हैं और पीछे देखते हैं जहाँ पर हमने गोल्डन बफ के चूज़े और गोल्डन मिस्री रखे हुए हैं, वहाँ पर भी आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे हमारा वाइट कोचीन और तमाम हैवी बफ और छोटे छोटे चूज़े दोस्तों मेरे पीछे ये देखें सारे मेरे पास ही आए हुए हैं और ये इंतज़ार में है कि कब हमारे आगे फीड डालेगा। लेकिन मैंने इनके आगे दोस्तों कुछ देर पहले ही फीड डाल के गया हूँ, लेकिन फिर भी ये आवाम ऐसी हुई हुई है और इतने भूखे हुए हैं दोस्तों। ये देखें हमारा वाइट मेल खड़ा हुआ, और इस तरफ देखें ये ऊपर आके हमारी गोल्डन मिस्री की फ़ीमेल खड़ी हो गई है। ये भी अब दोस्तों मुकम्मल तैयार है और यहाँ से दोस्तों मैं 2 अंडे लेके जा रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि वो 2 अंडे मतलब कि वो कौन दे रहा है 2 अंडे, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जूम करके भी यहाँ पे बताऊँगा। ये जो दोस्तों फीमेल आपको नज़र आ रही है, ये हमारा मेल दोस्तों बीमार था, ये अब ठीक हो चुका है माशाल्लाह से। ये साथ 2 गोल्डन बफ की फ़ीमेल खड़ी हुई हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि इनमें हमारे पास दोस्तों अंडा कौन सा दे रहा है, क्योंकि मैंने जूम किया था काफ़ी ज़्यादा, अब जूम हो चुका था पहले बैक कैमरे से दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि कौन सी फ़ीमेल मैंने यहाँ पे छोड़ी थी। गोल्डन मिस्री भी दिखाता हूँ और 2 जो हैवी बफ के पीस नीचे लाए हैं दोस्तों उनके बारे में भी आपको बता दूँ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से हमारे जो गोल्डन मिस्री हैं, ये फ़ीमेल आई थिंक अंडा दे रही है क्योंकि इसने ऊपर भी अंडे दिए थे, और ये हमारा वाइट मेल और वो जंगली की फ़ीमेल दोस्तों साथ खड़ी हुई है। जंगली पर भी मुझे दोस्तों शक है कि ये भी अंडे दे रही है। ये हमारे गोल्डन बफ के पीस जो मैंने ऊपर से लाए थे, कल ही लाए थे बल्कि 2 दिन छोड़ के मैंने लाए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे चीज़ों पर दोस्तों जो हमारे ब्रामा का मेल था मतलब छोटा जो ब्लैक था उसको मार रहे थे, इसलिए मैं इनको इधर ले आया था। ये देखें एक वो देखें दोस्तों, वो देखें जंगली की फीमेल शोर कर रही है, तो यकीनन इसी ने अंडा दिया हुआ है क्योंकि जो मुर्गी क्रां 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 करे मतलब वही अंडा देती है दोस्तों। इनका रात का टाइम है और ये अपनी अपनी कोठनियों में जाने के लिए कोठनी के आगे खड़े हो गए हैं। वो देखें सारे रात को दोस्तों इसी कोठनी में होते हैं और कुछ पानी पी रहे हैं और कुछ दोस्तों हैवी बफ के 2 पीस ये खड़े हुए हैं, बाकी आप देखें माशाल्लाह। पिछली मुर्गियों को मैंने कोठनी में अंदर बंद कर दिया क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, और मैं ब्रामा लोगों को भी सबको पुष्पा मतलब इसका नाम हमने पुष्पा रखा है, पुष्पा को और तमाम इसकी फ़ीमेल को दोस्तों इधर ले आया हूँ, ताकि इधर से आप डायरेक्ट दोस्तों मैं इनको इनके केज में कर दूंगा, क्योंकि ये शाम का टाइम है, मगरब का टाइम है। इस टाइम पर ये तमाम अगर इन्हें बैठ दोस्तों यहाँ पर छोड़ लूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा गंद बना लेंगे और नीचे सारा फर्श ख़राब कर देंगे, इसलिए दोस्तों मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से अंदर करूँगा।
देखिए आप किस तरह से दोस्तों अभी अंदर जाएंगे और डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे, और कुछ देर बाद दोस्तों आके इनके आगे मैं फीड वगैरह डाल दूंगा। देखिए हम शाम का टाइम है, खुद ही दोस्तों जब शाम होती है तमाम परिंदे खुद ही अपने अपने केजेस की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए ये फीमेल बाहर होगी और ये अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से दोस्तों अंदर इनका बल्ब इसी तरह लगा रहता है और हर टाइम पे इनका बल्ब मैं ऑन रखता हूँ। बस रात को आके दोस्तों जब फीड वगैरह डालता हूँ, जब फीड मतलब डाल दी तो 10 बजे के करीब इनका बल्ब वगैरह बंद कर दिया। अभी मैं इनका आगे से कैच भी बंद कर दूंगा। ये देखें ये इस तरह था दोस्तों, ये इसका मैंने मैग्नेट लगाया हुआ है क्योंकि ये इस तरह देखें आप, ये इस तरह करूँगा ये खुद ही चिपक जाएगा और ये अगर अंदर से खोलने की कोशिश भी करेंगे तो दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा। इस तरह हम आगे से ताला लगा लेते हैं और अंदर देखें आप किस तरह ये अंदर ही होंगे। और नीचे मैंने बेडिंग भी इनका दोस्तों पूरा वगैरह डाला हुआ है। करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा क्योंकि छोटा सा व्लॉग था पुष्पा के बारे में दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देनी थी। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना भी चाह रहे थे कि पुष्पा कहाँ पे गया, कहीं पुष्पा चला तो नहीं गया सेटअप से। तो दोस्तों हमारे सेटअप पर ही है क्योंकि इनको कम ही दिखाता रहता हूँ अक्सर व्लॉग में, तो मैंने सोचा आज कई व्लॉग पर इनकी वीडियो डाली दी जाए। तो अगर आपको दोस्तों हमारा पुष्पा पसंद आए तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कंप्लीट वॉच किया करें ताकि हमारे मज़े के व्लॉग्स आपको देखने को मिल सकें। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।